दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया और अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों के लेके आया हूँ एक प्यारा सा खूबसूरत सा रिश्ता। और आप में से जो भी व्यक्ति शादी विवाह करना चाहता है वो इनसे बातचीत करके या दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपना शादी विवाह कर सकता है। और मैं इनके बारे में आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, कहाँ से ये रिश्ता आया है और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, और इनकी उम्र क्या है, जात धर्म एजुकेशन पढ़ाई लिखाई डिग्री डिप्लोमा रहने वाली कहाँ की है, शिक्षा या जो भी बातें हैं वो सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए दोस्तों आप शुरू से लेके वीडियो को अगर लास्ट तक अच्छे से देखेंगे तो आपको इस रिश्ते के बारे में 100% जो जानकारी है वो हो जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आप लास्ट तक देखिए। आइए बात करते हैं। दोस्तों ये जो रिश्ता है ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर एक जिला आता है जिसका नाम है कानपुर। लखनऊ के आसपास में एक जिला है जिसका नाम है कानपुर। उत्तर प्रदेश का ये एक रिश्ता आया है, एक स्टेट है यूपी, वहां का ये रिश्ता आया है। मैम की जो एज है वो 46 ईयर्स है, 46 साल है। और भाई साहब ये गांव देहात की साधारण रहने वाली एक महिला है, सिंपल और साधारण परिवार से, मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली से ये बिलोंग करती है। गरीब घर की आप रहने वाली हैं, गांव घर देहात की एक रहने वाली है। और उम्र इनकी जो है 46 साल एज है इनकी। और दोस्तों पहली शादी होने के बाद इनके पास कोई संतान नहीं थी या बच्चा नहीं हो रहा था, जिसके वजह से इनके जो हस्बैंड है उन्होंने आज से लगभग 8 साल पहले इनको तलाक दे दिया है। इनको संतान नहीं हो रहे थे, जिसको बांझापन कहा जाता है। और उस कारण से इनको इनके हस्बैंड ने, इनके पति ने, इनके शौहर ने इनको तलाक दे दिया आज से 8 साल पहले, जब इनकी उम्र 38 ईयर्स हुआ करती थी। और दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया कि गांव घर देहात के रहने वाली हैं, कानपुर की ये रहने वाली हैं, और 46 ईयर्स इनकी उम्र है। किसी भी प्रकार के इनके पास कोई बच्चे वगैरह पहले शादी से नहीं है। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं शादी विवाह करना चाहते हैं, वो दिए गए नंबर पर फोन करके संपर्क करके अपना शादी विवाह का आप जो है बातचीत उनसे कर सकते हैं। दोस्तों इनको जो रिश्ता चाहिए, अगर कोई घर जमाई रिश्ते के लिए तैयार होता है तो बहुत अच्छी बात होगी। घर जमाई मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों, शादी विवाह करने के बाद आप इनके अगर घर पे रहते हैं, क्योंकि ये माँ बाप की अकेली है, अपनी इकलौती बेटी है, माँ बाप की इकलौती बेटी है, इनके पास प्रॉपर्टी घर जमीन खेत बाड़ी है, काफी अच्छा है, जो आप इनके यहाँ पर रहकर अगर संभालेंगे तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी प्रकार का कोई जाति बंधन या शिक्षा बंधन नहीं है। आप किसी भी जात के, किसी भी समुदाय के, किसी भी धर्म के हैं, चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो नीचे जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करके अपना रिश्ता आप फिक्स करा सकते हैं। सो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और अभी मैंने आपको जानकारी दे दिया हूँ और अभी मेरा वक्त है यहाँ से जाने का, तो दोस्तों मैं यहाँ से जाता हूँ, लेकिन आप मत जाइएगा, अभी मैं लौट के आ रहा हूँ, फिर आपसे कुछ आगे बातचीत करता हूँ, ठीक है दोस्तों, जा रहा हूँ फिर फिलहाल अभी। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया और अच्छे होंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ये आदमी अभी कुछ समय पहले शादी विवाह के बारे में बातचीत कर रहा था, गांव घर देहात के रहने वाली 46 वर्ष की एक महिला, उत्तर प्रदेश की जिला कानपुर के अंतर्गत रहती है, इनके प्रोफाइल के बारे में मैं बातचीत कर रहा था, लेकिन अभी बेशर्मों की तरह क्यों हंस रहा। दोस्तों क्या होता है ना कि दूर की जो ढोल होती है वो हमेशा सुहावन लगती है, जो दूर की ढोल होती है ना वो अक्सर सुहावन लगती है। असलियत उसका तब पता चलता है जब हम उसके पास में जाते हैं। समंदर जो है ना बाहर से देखने पे, दूर से देखने के बाद खामोश नजर आता है, लेकिन कभी उसके अंदर यात्रा करके देखो तो अपने गहराई का आपको एहसास दिलाएगा। अगर सीधे मुद्दे की बात करूं तो अभी जिस प्रकार से मैंने आपको एक शादी विवाह के या रिश्ते के बारे में आपको बता रहा था कि ऐसी मैडम है, ऐसी ये है, आप शादी विवाह करना चाहते हो तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए, भाई साहब आपको मालूम है क्या, YouTube की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, आज के डेट में
ये सन 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, आज है 14 मई सन 2023। दोस्तों आज की इस डेट में, आज की इस दुनिया में, इस सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया के इस जमाने में दोस्तों आपको हजारों नहीं लाखों ऐसी वीडियो मिलेंगी, जिस प्रकार से अभी मैं आपको शादी के बारे में बता रहा था ना, सेम उसी प्रकार से यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, न जाने कहां कहां पे आपको शादी ब्याह के बारे में न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में कभी आपके सामने ऐड चलता है शादी.com मैरिज ये फलाना ढुमकाना। और इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ऐसे धोखेबाज फ्रॉड लोग हैं, जिस प्रकार से मैंने शुरू में बताया सेम उसी प्रकार से कॉपीराइट करके वो भी आपको किसी प्रोफाइल के बारे में बताएंगे, मैडम ये है तो वो है, ऐसा रिश्ता है, वैसा रिश्ता है, बच्चा नहीं हो रहा, पति रेडी है, बाप बना दो, आपको 50 लाख देंगे, 60 लाख देंगे, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी देंगे, घर जमाए, रिश्ता चाहिए, और यार न जाने क्या क्या बातें बताते हैं। गवर्नमेंट जॉब वाली है, प्राइवेट जॉब वाली, खूबसूरत है, यंग है, ये वो, गांव घर के देहात के रहने वाली, कोई नहीं आगे पीछे, घर जमाए चाहिए, अरबों की संपत्ति है, इतना खेत बाड़ी है, यहां से रिश्ता आया, वहां से आया, इनसे शादी कर लो, उनसे कर लो, ये कर लो, क्या बताऊं मैं आपको, देख देख के थक गया हूं, देख देख के थक गया हूं। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो बना के, इस प्रकार की वीडियो आपको दिखा करके आपके साथ में धोखा होता है, आपके साथ में फ्रॉड होता है, स्कैम होता है। कैसे होता है मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप में से जिन लोगों के साथ में हुआ होगा उनको अच्छे से मालूम है, और जिनके साथ में नहीं हुआ है अगर उस वीडियो को कंप्लीट देख के जानकारी नहीं लेंगे तो आने वाले वक्त में अगर आप शादी ब्याह ऑनलाइन के माध्यम से अगर करना चाहते हैं तो 99% जो केस है वो आपके साथ में धोखा होगा, फ्रॉड होगा। क्या है पूरा मामला आपको अगर ओपन करके खुल के बताऊं दोस्तों, तो मेरी बात को आप गौर से सुनिए। जब आप किसी की वीडियो देखते हैं इस प्रकार की, चाहे वो कहीं से भी आप देखिए या कहीं से भी आपने जानकारी लिया, और उनके बताए हुए नंबर पे आप जब कांटेक्ट करते हैं, संपर्क करते हैं, उनके मोबाइल नंबर पे जब आप संपर्क करते हैं, तो सबसे पहले आपसे कहा जाता है कि सर आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। या तो वो कहेंगे कि सर रजिस्ट्रेशन करवाइए 2,000, 5,000, 10,000 का, या तो फिर आप कहेंगे कि मैं शादी करना चाहता हूं, मुझे पहले मैडम से बात करवाइए, मैडम का फोटो भेजिए। तो वहां पे दोस्तों क्या होता है कि किसी भी लड़की का या गूगल से डाउनलोड करके फोटो आपके नंबर पे भेज दिया जाएगा, और गूगल पे मालूम है आज के करोड़ों में फोटो है, हर जात धर्म के लड़की का, हर कलर का, डिजाइन पैटर्न का, जैसा चाहिए आपको वैसा करोड़ों की जनसंख्या में फोटो गूगल पे उपलब्ध है, और वहां से फोटो डाउनलोड करके आपके मोबाइल नंबर पे आपको भेज दिया जाएगा, और आपको लगेगा कि वाह कितनी खूबसूरत मैडम है, कितनी खूबसूरत ये लड़की, कितनी खूबसूरत ये महिला है, और मैं इससे ही शादी करना चाहूंगा। फिर आप कहेंगे कि सर बात करवा दें, तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपके यहाँ पे रिश्ता हो सकता है, या वो लोग खुद कहेंगे कि सर रजिस्ट्रेशन भेज दीजिए, हम आपको फोटो भेजते हैं, और उसके बाद मैडम की मैडम से फोन पे या कॉन्फ्रेंस पे बात करवाएंगे, और अगले 2-4 घंटे में आपकी फोन लगा के मैडम से या कॉन्फ्रेंस किसी महिला से या किसी लड़की से आपकी बात करवा दी जाती है। आपके पास फोटो आ गया, आपके पास फोन पे बात हो गई, तो आप 100% जो है मग्न मुग्ध हो जाएंगे, उनके झांसे में, उनके कहने पे आ जाएंगे, और जब ऐसा आप दोनों काम कर देते हैं तो आपसे 10,000, 5,000 की डिमांड की जाती है, तब तक आप 10,000, 5,000 भर देते हैं, और वो महिला, वो लड़की अगले 2-4 दिन आपसे हो सकता है प्यार भरी बातें करे, या घर परिवार गार्जियन से किसी से बातें करवाए, और आपको लगेगा बस करो जिंदगी में जो चीज की कमी थी वो चीज मिल गई, वो जीवन साथी मुझे मिल गया था जैसा मुझे चाहिए। और अगले 2-4 दिन के बाद में दोस्तों या तो आपको मिलने के लिए किसी शहर या कहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि एक बार आपसे 10-5,000 रुपए ले लिए हैं तो आपको फिर वापस वो बुलाएंगे ताकि आप उनके उनको और पैसा दो, या दूसरी बात, अच्छा जब बुला भी रहे अगर आपको कोई एड्रेस भी दे रहे दिल्ली, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, किसी शहर का, तो जब आप जाएंगे तो वहां पर कोई नहीं मिलेगा, आपको रॉन्ग नंबर दिया जाएगा, आप घूम टहल के अपना 10-15-20 हज़ार का चूना लगा के बर्बाद करके चले आएंगे। या दूसरा वो कहेंगे कि मेरे घर में इमरजेंसी केस हो गया, माँ मर गई, पिता मर गए, भाभी का तबियत खराब है, मौसी की तबियत खराब, चाचा, मामा, नाना, भाई, दोस्त, यार, कौन का बीमार हो जाए, कौन हॉस्पिटल में भर्ती है, कोई इसकी गारंटी नहीं है। एक आपके सामने वो एक इमरजेंसी केस जाके खड़ी कर देंगे जहां पे आपसे पैसे की डिमांड करेंगे, और जब अगर आप पैसा दे देंगे, पैसा जैसे ही दे देते हैं उसके 2-1 दिन बाद आपका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उनका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या आप फोन लगाएंगे तो रिसीव ही नहीं करेंगे,
क्यों? क्योंकि अभी उनका पैसा आ गया। आप अभी आप बलि का बकरा या मुर्गा या आपको चूना लग चुका है। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो भी शेम केस होगा, वो आपसे बात नहीं करेंगे लोग, क्योंकि इससे पहले तो आपने 10-15-20-30 हजार तो दिया है। और इस प्रकार से दोस्तों आप चाहे एक के पास फोन कीजिए, चाहे दो के पास के, चाहे 10 के पास का, आप जितने लोग के पास में करेंगे 99% हर जगह आपको फेलियर ही मिलेगा, फ्रॉड मिलेगा, धोखा होगा, स्कैम होगा। और ये केस आज के डेट में भारत में इतने बड़े लेवल पे पॉपुलेशन में लोगों के धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। यूट्यूब पे ऐसे 100 से अधिक यूट्यूबर है जो फ्रॉड है, मैरिज ब्यूरो के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लूट रहे हैं। और मेरे यहाँ पर रोज ऐसी 50 से अधिक कंप्लेने आती है, और एक एक यूट्यूबर के खिलाफ, एक एक चैनल के खिलाफ दोस्तों कम से कम 50 से 60 से 70 पूरा प्रूफ मेरे पास है। आइडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से लेके पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजे उसका अकाउंट नंबर तक, हर एक चीज मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं इसलिए आपको प्रूफ के साथ में कहता हूं कि इन लोगों के चक्कर में ना कभी पड़े। रिश्ता कराने का काम हम भी करते भाई साहब, हम भी करते, लेकिन एक फीस रखे हैं और वो फीस पूरा यूट्यूब पे ओपन करके खुल के बताए, जबकि आज तक कभी किसी मैरिज ब्यूरो वाले के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि साला अपनी फीस को एक्सप्लेन कर सके, दुनिया के सामने रख सके। मैं खुल के कहता हूं मैं 501 रुपया फीस लेता हूं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीने का समय लूंगा, आपके हिसाब से आपको रिश्ता खोज के दूंगा। अगर भरोसा विश्वास है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा जो मोबाइल नंबर नीचे कॉन्टेक्ट मेरा जो मोबाइल नंबर नीचे आपको दिख रहा है, या आप में से जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं यूट्यूब पे, अगर मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल का नाम है रिश्तों की दुनिया। यूट्यूब पे सर्च कीजिए रिश्तों की दुनिया, वहां पे मेरी बहुत सारी वीडियो आएंगी, आप जाके एक एक वीडियो को देख लीजिए। और जिस दिन आपको भरोसा हो जाए, जिस दिन आपको विश्वास हो जाए, जिस दिन आपको लगे कि 500 रुपये में अगर कहीं शादी करने का ऑफर मिल रहा है तो देर नहीं करना चाहिए, तो लगाइएगा फोन। फोन करने के बाद सिर्फ 2 वर्ड कहिए, आप सर मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको ऑन द स्पॉट आपसे जानकारी पूछी जाएगी, आपसे 10 से 12 सवाल पूछे जाएंगे, उस 10 से 12 सवालों का जवाब दीजिए। और मेरी जो फीस है 501 रुपया, वो मेरे इसी नंबर पे जो मेरा 9137814012, आप इसी नंबर पे फोन पे गूगल पर पेटीएम जैसा आप करना चाहे वैसा कर दीजिए। हमेशा एक बात याद रखिए, मेरा जो ऑफिस का नंबर है वो यही है 9137814012, ये मेरा ऑफिस का नंबर। मेरे ऑफिस में फोन करने के बाद, मेरे स्टाफ से बात करने के बाद, जब कंफर्मेशन हो जाए, आपकी डिटेल्स लिख ली जाए, तो इस नंबर पे आप 501 रुपए का जो पेमेंट है मुझे ट्रांसफर करने के बाद, फोन पे गूगल पर पेटीएम जैसा चाहे वैसा करने के बाद, उसका एक स्क्रीनशॉट मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दीजिएगा। और थोड़ा समय दीजिएगा, हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन का, 1 महीने का, जो भी आपका रिश्ता आपके लाइक मिलेगा। पूरे भारत के, ऑल ओवर इंडिया में बात कर रहा हूँ, आप महाराष्ट्र के, गुजरात के, केरला के, तमिल के हैं, एमपी के हैं, यूपी के हैं, राजस्थान के, हरियाणा के, दिल्ली के, कहीं के भी हैं आप, सबके लिए सर्विस उपलब्ध है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, और पहले जो मैंने आपको बताया उस प्रकार के किसी भी वीडियो के ऊपर भरोसा विश्वास ना करें। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, ख्याल रखिए आप अपना। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करके, चैनल में यदि आप में से कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिवेट कर रख लीजिए, और दोस्तों लोग फैमिली मेंबर के साथ में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें स्टार्टिंग तो एक मैसेज है जिससे आप समाज की, जनता की भला कर सकते हैं, लोगों का इस धोखे फ्रॉड के बारे में बचा सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, आपके जान पहचान में, दोस्त यार में जो भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो अभी तक शादी विवाह नहीं हुआ है, जिनके बारे में आपने भी कई बार रिश्ता देखा है, या आपके घर परिवार के, उनके जान पहचान के कई बार लोगों ने रिश्ता तो देखा है लेकिन कहीं बात फिट नहीं हुई, हर बार जाते हैं 2-4 हजार रुपए रिश्ता देखने के चक्कर में फूक के या गंवा के चले आते हैं, लेकिन अगर उन तक ये वीडियो पहुंच गया, उनको आप बताएंगे कि यूट्यूब पे कोई ऐसा व्यक्ति है, नाम है रवि कुमार, रहने वाला उत्तर प्रदेश का है, जिला आजमगढ़ का रहने वाला कोई एक लड़का, एक व्यक्ति है सर है जो 501 रुपए में शादी कराते हैं, तो दोस्तों इससे उनकी भी मदद होगी और उनके जिंदगी में जब खुशियां आएंगी तो दोस्तों जिंदगी भर आपका एहसान मानेंगे। तो दोस्तों इस नेकी के काम में बिल्कुल भी मत देरी कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं, या यूट्यूब पे जाके मेरी हर एक वीडियो को देख लीजिए, आपका सारा डाउट, आपका सारा जो क्वेश्चन है, डाउट है, वो क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों।